हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। लोकसभा चुनाव 2019 के समर में उम्मीदवारों की सूची जारी करने की रेस में कांग्रेस बीजेपी को पीछे छोड़ती दिख रही है। शनिवार को कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपने नेता शशि थरूर को एक बार फिर से तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार बनाया है। चौथे लिस्ट में कुल 27 नामों का ऐलान किया गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के दोनों सीटों के अलावा केरल की 12 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा यूपी के 7 सीटों पर भी चेहरों का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। अंडमान निकोबार की सीट से कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। छत्तीसगढ़ की 5 सीटों के लिए भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल वेस्ट से कांग्रेस के नेता नबाब तुकी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अरुणाचल ईस्ट से जेम्स एल वांगलेट को अपनी उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 7, केरल की 12, छत्तीसगढ़ की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2 और अंडमान निकोबार की 1 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कैराना से हरेंद्र मलिक, बिजनौर से इंदिरा भट्ट, मेरठ से ओम प्रकाश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर से अरविंद सिंह चौहान, अलीगढ़ से ब्रजेंद्र सिंह, हमीरपुर से प्रीतम लोधी और घोषी बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से शशि थरूर एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों के लिए 3 बार में कुल 54 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम भी शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री के वी थॉमस ने अरुणाकुलम सीट से टिकट नहीं मिलने पर निराशा जताई और अपनी पार्टी पर निशाना साधा। अभी तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।